Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower. Navi Mumbai Network. मोदी के युवा भारत की संकल्पना को साकार करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पाटिल ने अपने निष्ठावान नवी मुंबई के युवा उद्योजक जय नागर को भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ जय नागर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। राजनीति पृष्ठभूमि में न रहते हुए भी एक युवा शक्ति के परिचायक जय नागर अपने कार्यों के दम पर आज अपनी एक अलग छाप छोड़ चुके हैं। दरअसल जय नागर युवा वर्ग के उत्थान में अरसों से काम करते आ रहे हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त JKN सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और संचालक जय नागर गए काफी वर्षों से रेसिडेंशियल कॉर्पोरेट घराने VVIP सिक्योरिटी पर्सनल बॉडीगार्ड्स आर्म फोर्स बाउंसर जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। जय नागर ने न केवल रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं बल्कि अपने युवा सोच से मौके को अवसर में तब्दील कर इस उद्योग में अपनी काबिलियत के दम पर एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पाटिल को अपने राजकीय गुरु की संज्ञा देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जय नागर का अब एक ही लक्ष्य है, अपने कार्यों के दम पर विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना। देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ जो हमारे फडणवीस साहब हैं, फिर हमारे अपना चंद्रकांत पाटिल साहब हैं, फिर हमारे बावन कुले साहब हैं, और फिर हमारे जो एरिया के अरोली के MLA हैं, हमारे गणेश नाइक साहब हो गए, संदीप सर हो गए, और फिर जो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे ये इस लायक समझा, अपना विक्रांत बाला साहेब पाटिल साहेब, उनको मैं गुरु भी मानता हूँ, इंस्पायर होता हूँ उनसे। और बहुत ही BJY महाराष्ट्र में वो बहुत कुछ चेंजेस कर रहे हैं और बहुत कुछ, मतलब इन द सेंस अगर मैं बोलूँ आपको, जैसे कि हमारे युवती विभाग है, हमारे अपना युवा वॉरियर है, 2-3-4 विभाग हैं हमारे जो बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं, और आगे भी उनसे मुझे जितना सीखने को मिलता है और मैं उनको बहुत लर्न करता हूँ, बहुत सीखता हूँ उनसे। एंड मेरी कोशिश यही रहती कि मैं उनके थ्रू आज जो उन्होंने मुझे अपना प्रदेश कार्यकारिणी है सदस्य महाराष्ट्र की, तो मैं उस पर मेहनत करके उनका नाम करके मैं जो भी मुझसे बनता है और जो मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मैं सीख के उनका ही नाम करूं। और मैं दिल से उनका थैंक्स हमेशा बोलता हूं और बोलता ही रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, स्टेट लेवल की बात होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो अब उस पर समय आ गया खरा उतर के दिखाने का, तो वो हमारी मैं करके दिखाऊंगा। और BJYM जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रांत बालासाहेब पाटिल साहेब, जो मेरे गुरु भी हैं, उनके लक्ष्य पर हमें चलना है और जो सीखा है उनसे ही सीखना है। यही मेरा एक समाज के लिए जो भी हमसे हो सकता है तो वो हम
उनके थ्रू करेंगे। पार्टी से पहले समाज हित के मोटो के साथ काम करने वाली भारतीय जनता युवा मोर्चा को लेकर जय नागर का मानना है कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवाओं को मौका देने वाली भारतीय जनता पार्टी जैसी देश में कोई दूसरी पार्टी ही नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ और जितना मैंने देखा है बीजेपी के बारे में पक्ष से पहले, और बहुत पॉजिटिविटी है जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, फिर हमारे यहाँ के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, तो जितने भी बड़े बड़े आप देखेंगे, ये इनका जो मोटो रहा है, ये समाज के लिए बहुत करना चाहते हैं, अपने पार्टी से पहले समाज के लिए नेचुरली वो करना चाहते हैं। तो वो मैंने उनकी चीज़ें देखी, और एज अ यूथ मैं जब मैं गया, जब मेरे को ये चीज़ मेरा प्रपोजल जब गया, तो ये पार्टी का नॉन पॉलिटिकल जो लोग होते हैं ना, उनके साथ बहुत टच में है। इवन जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो होते हैं अदर आप देखेंगे लोग, तो मेरा पर्सनली ये था और मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। मैं तो किसी पॉलिटिकल से नहीं हूँ, ना मैं किसी का कोई मेरे घर में है या फैमिली में है, उसके बावजूद भी मुझे अपना विक्रांत बाला साहेब पाटिल ने जी ने, हमारे जो साहेब हैं, उन्होंने नियुक्त किया, और इससे बड़ी बात क्या होती है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यूथ के लिए, क्योंकि मैं यूथ में हूँ तो यूथ की ज़्यादा बात करूँगा, और सब यूथ को मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी से जुड़ना चाहिए और BJYM से जुड़ना चाहिए। तो ये मेरी पर्सनली उनसे जो ओपिनियन है, बीजेपी इज़ अ बेस्ट, मैं आपको बोलेंगे तारीफ हो जाएगी पार्टी की ज़्यादा, बट बहुत कुछ है बीजेपी में जो अदर्स, मुझे लगता है अदर्स पार्टीज में नहीं है। पर्टिकुलर नेम लेना तो गलत हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत ही, और बहुत चेंजेस भी आए। आपको मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, आप देखिए लास्ट टाइम के ओलंपिक्स मेडल देखिए और इसमें देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल है। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, तो मैं स्टेट लेवल चैंपियन हूँ बॉडी बिल्डिंग के अंदर, तो कितने चेंजेस आए, कितने मेडल्स कैसे आते हैं, जब तक उनको कुछ हमारे जो भारत के खिलाड़ी हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, मोटिवेशन नहीं मिलती है और कुछ सपोर्ट नहीं मिलती है। आप देखिए इस पर किसी भी फेसबुक पे, इंस्टा पे करके खोलिए, फेसबुक खोलिए, कितना सपोर्ट किया और कितने मेडल आए। तो इसका मतलब यही है कि बीजेपी के माध्यम से, मोदी साहब हो गए, उनके माध्यम से कितनी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो रही है स्पोर्ट्स को लेकर। मैं स्पोर्ट्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, तो ये तो सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल है कि बीजेपी क्या काम कर रही है यूथ के लिए। और मोदी जी का तो सिंपल है कि यूथ बहुत कुछ है। सो ये मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी इज़ अ बेस्ट। मगर यह सफर तय करने में उनका मजबूत आधार बनकर साबित हुआ 12 वर्षों की अपनी मेहनत के जरिए साकार JKN सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके माध्यम से आज जय दिन रात एक कर लोगों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी की भावना के जरिए महफूज रखने का काम कर रहे हैं। कि मैं पिछले इस फील्ड में 12 साल से करीबन मैं जुड़ा हूँ, और 12 साल से मेरा करियर इसी से स्टार्ट हुआ है, सिक्योरिटी फील्ड से। तो मेरा मोटो यही रहता है कि मैं सबको, चाहे वो रेजिडेंस है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो पर्सनल बॉडी गार्ड है, या जो भी है, मैं उनको अपनी सिक्योरिटी JKN सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू प्रोटेक्शन दे सकूं, उनकी रक्षा कर सकूं। और जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं उससे ज़्यादा उनको दे सकूं, यही मेरा मोटो रहता है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो रेजिडेंस है, चाहे वो पर्सनल बॉडी गार्ड्स हैं, चाहे वो VVIP प्रोटेक्शंस हैं। सो मेरा यही है। कहते हैं कि युवा देश बदल सकता है, और युवा उद्योजक जय नागर भी कमर्शियल नहीं बल्कि सामाजिक भावना के तहत 60 से 80 लोगों को रोजगार मुहैया करवाकर उन्हें सक्षम बना चुके हैं। JKN सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में करीबन 60-80 लोग काम कर रहे हैं, और प्रॉपर सारे महाराष्ट्रियंस हैं। एंड जितना मेरे से ये होता है, क्योंकि महाराष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं जितना होता है कि मैं उनको रिक्रूट कर सकूं, उनको रोजगार दे सकूं, और पर्सनली भी आप देखेंगे कुछ तकलीफ होती है, मैं हमेशा खड़ा रहता हूं मेरी लेबर के लिए, जितना चाहे वो हॉस्पिटलाइज है या कुछ भी तकलीफ है, तो मेरे से जो होता है, जो कंपनी से बनता है, हमेशा JKN सिक्योरिटी खड़ी रहती है, जय नागर खड़ा रहता है जो JKN सिक्योरिटी का ऑनर है। सो ये मैं उनकी कहीं ना कहीं हेल्प करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा,
यही मेरा इस सिक्योरिटी को चलाने का तरीका है, यही मेरा गोल है, यही मेरा मोटो है कि मैं खुद तो ग्रो करूं, उनको भी मैं रोजगार दे सकूं सही तरीके से और वो अच्छे से काम करें, बस यही मेरा। एक युवा उद्योजक के तौर पर अपने सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए जयनागर का मानना है कि चुनौतियां ही इंसान की सफलता का माध्यम बनता है। बिजनेस ही बहुत टैकल ही बहुत बहुत आपको ग्राउंडिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको लेबर को हैंडल करना आना चाहिए और बहुत से चैलेंजेस आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बेसिक चीज़ बोलूँ तो उनको लेबर को समझना, उनसे डील करना, फिर लोकलाइट कुछ चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करना, फिर तो चैलेंजेस तो बिजनेस में आते ही हैं, लेकिन ये बिजनेस मैं उसके लिए बहुत कैपेबल समझता हूँ अपने आप को एंड कहीं ना कहीं मैं उस वो क्षमता मेरे में है, तो मैं आई थिंक तभी 3-4 साल में मैंने जो भी छोटा मोटा हमारे पास है और उसी से मैं कर लेता हूँ और उसी इसी चीज़ को लेके अपनी कंपनी को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। बतौर एक युवा उद्योजक अपनी कंपनी में सुविधाओं का जिक्र करते हुए जयनागर का कहना था कि प्रोफेशनल और भरोसेमंद सुरक्षा की गारंटी के साथ डिवाइस और मैनुअल एंट्री के जरिए उनकी कंपनी द्वारा बिल्डिंग की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाता है। जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी रखी जाती है पहले तो वो बहुत ट्रेन और बहुत प्रोफेशनल रहते हैं, उनको मैं खुद ट्रेन करता हूँ JKN सिक्योरिटी के माध्यम से, मेरा सुपरवाइज़र है और उनको सब कुछ पता रहता है लाइक फायर वाटर गेट्स डिवाइस एंट्री और बिल्डिंग की जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब मेरे गार्ड करते हैं और उनको सुपरवाइज़र ट्रेन करता है। प्रोफेशनली तरीके से उनको यहाँ पर रखा जाता है, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, प्रॉपरली उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये हमारी कंपनी की करती है। जोमेटो है चाहे वो जो भी है विजिटर है प्रॉपर एंट्री करके ही अंदर जाते हैं डिवाइस के थ्रू, उनकी मैनुअल एंट्री भी होती है, चाहे वो मिल्क वाले हैं चाहे वो लॉन्ड्री है चाहे वो एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के तो उनको एंटर करते ही नहीं है सुपरवाइज़र और गार्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिल्डिंग के अंदर स्पेशली एजेंस में, क्योंकि आउटसाइडर की एंट्री होना डिवाइस के थ्रू जो भी जोमेटो है सबकी, तो ये इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है डे एंड नाइट दोनों में। ये हमारी कंपनी का और JKN सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का बहुत ही ज़्यादा इस पर फोकस भी रहता है और बिल्डिंग वालों की बहुत रक्षा की जाती है और जो हमारे यहाँ के कमेटी मेम्बर्स हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है, उन जो हमारे सुपरवाइज़र्स हैं वो फॉलोअप करते हैं, एक कंपनी का मोबाइल है पर्सनली जो कंपनी देती है जो सुपरवाइज़र के हैंडओवर 24/7 ऑन रहता है, तो ये सब फैसिलिटी JKN सिक्योरिटी सर्विस देती है हमारी सब साइटों पर। जयनागर एक युवा भारत युवा संकल्पना के साथ अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के महाराष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो सभी के सामने बदलते भारत की नई तस्वीर से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट वर्क।